तो पहले जैसे निखिल भाई ने कहा स्क्वाड्स डिस्कस कर लेते हैं फिर चलेंगे कंडीशंस की तरफ तो ये है यॉर्कशायर का स्क्वाड एंड जैसे उन्होंने कहा यहाँ पे मतलब आप खुद ही ढूंढ रहे कि बॉलिंग कहाँ पे है क्योंकि है तो सिर्फ बैटिंग ही खास बाकी इनके जो बॉलर्स है जो डोमेस्टिक बॉलर यहाँ पे उनमें से कोई भी हंड्रेड भी नहीं खेलता है तो मतलब ऐसा कंपेरिजन है कि सम, समझिए आप आई आप वो बोलर्स को सैज अली में ले आए हो इंडियन जो स्क्वाड्स में जो आईपीएल में एक भी एक भी नहीं खेलता है तो मतलब जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं वो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें से एक बोलर वो क्वालिटी का है ही नहीं बट yeah. हाँ बैटिंग इनकी yeah. काफी अच्छी है जॉनी yeah. जॉनी पंजाब के लिए नहीं आए बट यहाँ आ गए डेविड मलान भी लास्ट ईयर पंजाब के लिए आए थे यहाँ साल ये साल यहीं पे है शान मसूद लास्ट ईयर यहाँ पे खेले हुए थे के लिए ये यह साल यहाँ खेल yeah. रहे हैं एंड उसके अलावा हेडम लाइट कभी कभार बॉलिंग भी कर लेते हैं जॉर्डन थॉमसन है एक बोलर जो हंड्रेड भी खेल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अब ये सारे बोलर में से वही एक है जो वहां खेल रहा है हमें तो मूवमेंट मिलता है उन्हें एंड बेन माइक जो डेथ में डालते हैं तो अगर थॉम्पन के साथ में तो, तो माइक बिल्कुल पर यही है कि देखो जो आपकी टीम आप टीम भी हमारे देखोगे तो आपको दिखेगा इट इज नॉट यू कैंट ऑलवेज रिलाई ऑन दिस प्लेयर्स टू ऑलवेज कम गुड तो वो mm -hmm. आपको इन एक्सपीरियंस का थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा एंड अगेन फिर जैसा आपका विजुलाइजोशन होता है क्योंकि वेन्यू के बारे में बात करेंगे हम तो शायद आपको ज्यादा बेहतर सी दिखाई ऑक्शर से मोर देन द बोलिंग ऑप्शन यस एप्सुलटली तो ये रहा पहली टीम का स्क्वाड आप चलते हैं होम टीम के स्क्वाड की तरफ जहाँ पे मैं जिसकी एफ सी चला रहा हूँ दो साल से वो है दूसरा नाम क्रिस बेंजुमिन उसके अलावा एलिक्स डेविस डैनी ब्रिक्स जो हंड्रेड भी खेल चुके हैं हसन अली पाकिस्तानी डेथ बोलर आप सब जानते ही हो हेनरी ब्रुक्स जो वापस स्टार्ट में भी डालेंगे डेथ में भी डालेंगे बहुत सारा पेस है हंड्रेड भी खेलते हैं तो क्वालिटी है वहां पे जेकब बीथल जो अंडर नाइनटीन खेल चुके हैं पहले एड बर्नार्ड जो एक दो टीम से पहले खेल के आ रहे हैं मे बी इनको यहाँ पे स्टार्टिंग स्पॉट मिलेगी नहीं वो इंटरेस्टिंग होगा देखने को सैम हेन जो एक बैंकर टाइप ऑफ बैटर है आपको बीच में आके मिडिल ऑर्डर में रन दे जाएंगे जेक क्लिनटोर जो सी पी एल भी खेल चुके हैं हंड्रेड भी खेलते हैं एंड वापस रिस्क चाइना मैन एंड काफी शार्प टर्न मिलता है इन्हें क्रेग माइस जो पेस बॉलर है बट अगेन नॉट श्योर वेदर वे वेदर स्टार्टिंग इलेवन डैन मोस्टली क्रिस वोक्स जो आई थिंक यहाँ पे बैटिंग भी करनी चाहिए बॉलिंग भी करनी चाहिए इंटरनेशनल प्लेयर एंड इनकी स्ट्रेंथ हम सबको पता ही है कि स्टार्ट में मूवमेंट हुई तो फिर कैप्टनसी कैंडिडेट भी बन जाते हैं एंड रॉब येट्स एंड पॉल स्टर्लिंग बिल्कुल तो काफी अच्छा आपको इन चार्ट मिलेगा हर प्लेयर पे तो इतनी सारी राम भरोसे करके इतने वेन्यू पे कौन अच्छा करता है यस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट लाइक वी हर प्रिव्यू uh, का वेन्यू कंडीशन सो so, कहीं से खोद कर हम ये ग्राउंड डायमेंशन लेकर आ ही गए हैं आपके लिए एंड ऐसा है तो नहीं ग्राउंड ऐसा तो नहीं दिखता है बट आप खाली वो नंबर देख लेना वो काफी हो जाएंगे आपके लिए तो काफी इवन ग्राउंड है ऐसा नहीं है कि कोई भी साइड एकदम शॉर्ट है एकदम लॉन्ग है एवरीथिंग इज बिटवीन सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी फाइव मीटर सो इवन ग्राउंड है बट यहाँ पे एक चीज हमने देखी ओवर द इयर्स और बैटिंग के लिए ये ग्राउंड जाना जाता है एंड स्पिन को उतनी मदद नहीं मिलती वन सिक्सटी फाइव वन सेवेंटी यहाँ का एवरेज स्कोर है बिल्कुल तो और बैटिंग फर्स्ट भी टीम्स कुछ अगर रेशियो देखें तो थोड़ा फिफ्टी परसेंट के ऊपर का है पर अगेन इट डिपेंड्स अलॉट ऑन क्या आपकी टीम है क्या आपका कॉम्बिनेशन है जैसे यॉक्शर की टीम है अगर वो बहुत बड़ा स्कोर कर देती है तो जो उनकी बची कुची बॉलिंग है उससे भी देख इट सर्वाइव बट द पॉइंट इज टू बैट वेरी बिग इन द वेरी फर्स्ट इनिंग्स टू सेट द टोन फॉर देयर साइड तो बैटिंग तो है वैसे तो यू डू आई

बेस टीम एंड स्टार्ट स्ट्रेट विद द कीपिंग सेक्शन पे दो काफी ऑब्वियस एलिक्स एंड जॉनी बेस्टो एंड जो तीसरी चॉइस है चोसियसली उनको मैं एक और सेक्शन के लिए रिजर्व करके बैठा हूँ बट uh, ये दो चॉइसेस काफी अच्छी एंड मे बी आई थिंक अगर जैसे हमको लग रहा है अगर एक्चुअली हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि बैटिंग कंडीशन अच्छे हैं तो फिर जॉनी भैया तो ऑब्वियसली बिकम्स टॉप क्वालिटी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस बैटिंग में हम थोड़ा सेफ गए हैं डेविड मलान शान मसूद एडम लाइट एंड सैम हेन चारों के चार एक्सेप्ट फ्रॉम अच्छा नॉट नॉट चारों, चारों बट तीन थ्री आउट ऑफ फोर ऐसे हैं जो मतलब 20 30 रन तो आप मतलब आराम से हाँ। खेलने की कोशिश करके बना ही देते हैं उसके बाद तो एक्सेलरेशन हाँ। पे चलते हैं जो चौथे हैं वो ऑफ स्पिन भी डालते हैं तो आप समझ जाओ कौन है वहां से निखिल भाई एनी अदर पिक्स फ्रॉम दिस सेक्शन नहीं भाई बहुत एडम लिटिल के साथ तो बहुत ज्यादा ही गहरा रिश्ता है जब

अगर यॉर्कशायर पहले बॉलिंग करती है तो यू विल प्रोबब्ली वांट टू टेक हिम क्योंकि आपको पता है कि और कोई बॉलर है नहीं तो ही कुड पोटेंशियली बी द वेरी की बॉलर एंड देन बोल्ड व्हेन दे नीड विकेट्स तो फिर वहां से आपको रिटर्न फैंटेसी पोटेंशियल दिख जाएगा यस एब्सोल्युटली तो ये रहे ऑलराउंडर्स बॉलर्स में हम गए हैं ऑल बर्मिंघम एंड बताएंगे क्यों क्रिस वॉक्स फिर है हेनरी ब्रुक्स जेक लेंटोड एंड हसन अली अब आप देखने जाओगे तो यहाँ पे जो आपके टॉप फोर ऑप्शन में विदाउट कीपिंग टीम पार्शियलिटी इन माइंड आर फोर एंड हम इनको तब रखेंगे चारों के चारों को जब बॉमिंग पहले बॉलिंग करेगी क्योंकि यही बेस्ट ऑप्शन है सेक्शन के उसके अलावा मैट मिल्स हैं बट वो स्क्वाड में ही नहीं है तो उनको लेने का सवाल नहीं बनता एंड जो बाकी टॉपिक्स है कुछ आईपीएल में अब तक तो हेंस हमें लगता है कि यही बेस्ट पिक्स होंगे एंड वही पॉइंट पे मैं आ रहा था कि मुझे क्यों लगता है कि मे बी अगर यहाँ पे फ्रंट हेल्प है तो फिर आप एडम लाइट पे चांस ले सकते हो क्योंकि हम बैक ही सारे बॉमिंग के बोलर्स को कर रहे हैं एंड फिर आप वो केस में किसको ले सकते हो पॉल स्टर्लिंग क्योंकि पॉल स्टर्लिंग विल कम अप अगेंस्ट द वीकर पेस साइड सो मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू डिस बोलिंग बट ऑब्वियसली हम हमें और अदर टू द ऑब्वियली बट ऑब्वियसली वी हैव टू बैक

मे भी आज का गेम लाइव में नहीं कवर कर पाऊँ बट जो आगे के गेम्स है काफी हम टेलीग्राम पे लाइव कवर करेंगे और अब चलते हैं ग्रैंड लीग की तरफ गेम ग्रैंड लीग का है। मैं अभी के लिए तो एक ही प्लेयर को लेके जा रहा हूँ जो मेरे को लगता है कि श्योर सभी के टीम में होगा और हमने काफी देखा भी है उनको

तो फॉर्म uh, है उनके साथ पर कब यूज हो रहे कैसे यूज़ हो रहे सिचुएशन यस बेन माइक इज शुड बी स्पेशली अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं मेरे एक ही पिक हो गए हैं इस गेम में क्रिस बेंजामिन एक ग्राउंड पे बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है इनका एंड डेथ में भी बैटिंग अच्छी करते हैं प्लस अगर गुड पिक एंड आई थिंक कीपिंग भी करनी चाहिए क्योंकि हमने देखा है की जब भी एलेक्स डेविस खेलते हैं ज्यादातर फील्ड में रहते हैं इवन जब वो लैंकेशर के लिए खेल रहे थे तब जॉर्ज पटलर ही ज्यादातर ग्लव के साथ थे तो अगर वो रहा तो फिर कीपिंग से भी आपको पॉइंट मिल जाने चाहिए तो यही रहा हमारे आज के पिक्स एंड उसके अलावा एक जर्सी गिव अवे जैसे हमने प्रॉमिस किया था आपको क्या लगता है कितने रन बनाएंगे जॉनी बेस्टो एट जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में नो मल्टीपल कमेंट्स नो एडिटेड कमेंट्स एंड जो सब्सक्राइबर्स हैं एंड जिन्होंने वीडियो लाइक किया है वो हो जाएंगे एलिजिबल इस जर्सी गिव अवे के लिए सो थैंक यू सो मच टू एवरी वन ट्यून्ड इन जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए एंड प्लीज रिमेबर टू प्ले रेस्पॉन्सिबली एज दिस गेम बी हैबिट फॉर्मिंग और दिस की सो प्लीज़ ट्राई करेंगे हम ज़्यादा गेम्स कवर कर पाए आपका प्यार रहेगा तो कर पाएंगे तो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच